दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे विलियम शेक्सपियर का सोनेट 60। मैंने पहले से ही दोस्तों विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे सोनेट्स का वीडियो बना कर रखा है। अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। ये जो सोनेट 60 है, इसमें हमें विलियम शेक्सपियर बताते हैं कि टाइम यानी कि वक्त अपना प्रभाव यानी अपना इफेक्ट मनुष्य के जीवन में डालता है। तो दोस्तों, अब देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक एज द वेव्स मेक टुवर्ड्स द पेबल्ड शोर, पेबल्ड मतलब होता है पत्थर और शोर मतलब किनारा। तो यहाँ पर शेक्सपियर कहते हैं कि जिस तरह लहरें छोटे छोटे पत्थरों से भरे हुए समुंदर की किनारे के तरफ चलती है, सो डू आवर मिनट्स हैजन टू देयर एंड। बिल्कुल इसी तरह जो वक्त यानी कि जो पल हमारे पास जीने के लिए है, वो पल रफ्तार से यानी कि तेजी से ख़त्म हो रहे हैं। जैसे रफ्तार से वेव्स यानी कि जिस रफ्तार से वेव्स चलती है, उसी रफ्तार से हमारा जो लाइफ है वो ख़त्म हो रहा है। ईच चेंजिंग प्लेस विद दैट विच गोज बिफोर, हर एक पल जो है वो पिछले पल के साथ अपना स्थान बदलता रहता है। मतलब कि जैसे ही टाइम बढ़ रहा है, वैसे ही हमारा जो मौत है वो करीब आ रहा है। इन सिक्वेंट टॉयल ऑल फॉरवर्ड्स डू कॉन्टेंड, सिक्वेंट मतलब होता है एक के बाद एक, और ये जो टॉयल है इसका मतलब होता है हार्ड वर्क यानी कि कठिन परिश्रम, और ये जो कंटेंट है इसका मतलब होता है ख़त्म होना। ये लाइन का एक्सप्लेनेशन आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर शेक्सपियर कहते हैं कि जो पल ख़त्म हुआ उसकी जगह नया पल आया, और नया पल अपने आने वाले नए पल के लिए एक जगह खाली कर जाता है, और ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है। नेटिविटी वंस इन द मेन ऑफ लाइट, नेटिविटी मतलब जब कोई इंसान पैदा होता है, और ये जो मेन है इसका मतलब यहाँ पर है सी यानी कि समुंदर। जब एक इंसान जन्म लेता है रोशनी के समुंदर में, तब वो क्रॉल करता है यानी कि तब वो रेंगता है मैच्योरिटी के तरफ। इसका मतलब अच्छे से बताऊं तो दोस्तों, आदमी जब कठिन परिश्रम करता है तभी उसे मैच्योरिटी मिलती है। वेयर विथ बींग क्राउंड, ये जो वेयर विथ है इसका मतलब हुआ विच। तो यहाँ कहा गया है जो मैच्योरिटी है ना, वो एक तरीके से उस आदमी का ताज है, क्योंकि उसने उस मैच्योरिटी को बहुत ही कठिन काम कर पाया है। Crooked eclipses gainst his glorified and time that gave doth now his gift confound. तो यहाँ पर कहा गया है कि जो maturity का ताज उसे मिलता है, उस ताज का एक न एक दिन खात्मा हो जाता है। मतलब कि जो इंसान है जिसे maturity का ताज मिला है, वो एक न एक दिन बुराइयों से लड़ कर हार जाता है यानी कि वो दम तोड़ देता है। और अच्छे से कहूँ तो दोस्तों, एक ना एक दिन इंसान की जो मैच्योरिटी है वो ख़त्म हो ही जाती है। टाइम डॉट ट्रांसफिक्स द फ्लरिस सेट ऑन यूथ, वक्त यूथ की सुंदरता को भी ख़त्म कर सकता है। एंड डिविल्स द पैरेलल्स इन ब्यूटीज ब्रो, ये जो वर्ड है यहाँ पर इसका मतलब है रिंकल्स यानी कि झुर्रिया। तो यहाँ पर कहते हैं कि समय लोगों के चेहरे में झुर्रिया भी ला सकता है। फिट्स ऑन द रैरिटीज ऑफ नेचर्स ट्रूथ, समय नेचर की सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी ख़त्म कर देता है। एंड नथिंग स्टैंड्स बट फॉर हिज साइट टू मो, तो यहाँ पर कहा गया है कि जब समय का चलता है ना, तब वो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता, वो सब को नष्ट कर देता है। एंड ये टू टाइम्स इन होप माई वर्स सेल स्टैंड, तो यहाँ पर दोस्तों विलियम शेक्सपियर पूरा चेंज हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ तक तो शेक्सपियर कह रहे थे कि टाइम के साथ सभी चीज़ें ख़त्म होगी, लेकिन यहाँ पर शेक्सपियर कहते हैं कि मेरी कविता कभी भी ख़त्म नहीं होगी, समय इसका कुछ भी नहीं कर सकता।
प्रेजिंग डाई वर्थ, और जो आपकी कीमत है ना वो मेरी कविता बताते रहेगी, डिस्पाइट हीज क्रुएल हैंड। समय का चाहे जितना भी कठोर हाथ हो, लेकिन वो मेरे कविता का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता।